सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइज, आज हमारे सामने एक और बार आ चुकी है यहाँ पे की BS6 गाड़ी, और BS6 गाड़ी के अंदर फॉल्ट है भाई इसके स्टार्टिंग को लेके। अभी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई है, ठीक है। तो क्यों बंद हुई है वो ही चेक करने के लिए अपन ने अभी हाल इस गाड़ी को देखा है। तो इसमें हमने देखा कि अल्टरनेटर की जो लाइट है वो आ नहीं रही है। भैया बता रहे हैं कि एक दो दिन से पहले भी ब्लिंक कर रही थी और अब टोटल आना बंद हो गई है, ठीक है। तो क्या कर रही है गाड़ी वो भी दिखाते हैं, और कैसे इसको सही करेंगे हम वो भी दिखाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेगा तुम्हारा भाई अगले वीडियो में, ठीक है। चलते हैं आगे की वीडियो की ओर। ये रहा आपे का BS6 का जो आपका इंजन नहीं केबिन साइड का कंपार्टमेंट, और इसके अंदर देखिए आप अभी अपन चाबी ऑन करेंगे। ये हमने इग्निशन ऑन करा है, तो चार लाइटें जल रही हैं और एक आपका अल्टरनेटर की लाइट जो कि यहाँ पर आती है वो लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट क्यों नहीं आ रही वो हम पीछे चल के चेक कर लेते हैं। गाड़ी की प्रॉब्लम देखो आप कैसे कर रही है, चाबी बंद करिए, लाइट नहीं आ रही, और जब सेल्फ लगाएंगे तो खट करेगी खाली, बस ये ऐसा देखो ब्लिंक कर रही है। बस थोड़ा सा सेल्फ लेती है और सेल्फ छोड़ देती है, और अभी आ गई है हल्की सी बैटरी वाली लाइट जो है बिल्कुल मंदी सी हल्की सी दिखने लगी है, जैसे आने लगी है बिल्कुल, और सेल्फ लगाने में फिर चलेगी। मतलब ये ऐसे ही ब्लिंक कर रही है, आ रही है कभी जा रही है। तो चलते हैं अपन इंजन साइड के कंपार्टमेंट में। सो ऐसे आ गए हम इंजन साइड के कंपार्टमेंट में, और इसको देख सकते हैं आप इंजन साइड का कंपार्टमेंट। अल्टरनेटर जो लाइट जो है वो अल्टरनेटर से ही रहती है, तो अल्टरनेटर से जो एक वायर सिंगल आपका ये कपला लगा हुआ है इसी से आपकी वो लाइट है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इस पर मेन चेक कर लेना है इस पर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। पॉजिटिव चेक करने के लिए आपको लाइट हो तो ठीक है, नहीं तो एक पाने से आप ऐसे शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखो आप शॉर्ट करके चेक कर लिया शॉर्ट। वैसे अगर पाना मतलब कोई लाइट वगैरह हो तो ठीक है, नहीं तो पाने से आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। और दूसरा वायर आपको चेक करना है आपको ये इंडिकेशन का, तो इसको क्या करना है आपको इसके अंदर से ऐसे दबा के निकालना है, और जिस साइड ये वायर है उसके अंदर एक वायर का टुकड़ा फंसा के इसको बॉडी पे अर्थ करना है। और बॉडी पे अर्थ करेंगे आप और लाइट जल जाती है, मतलब इससे आपको ये समझ में आता है कि अल्टरनेटर के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो करते हैं हम इसको वायर को अर्थ। सो गाइस, ये देखो मैंने एक तार की मदद से इसको अर्थ कर रहा हूँ, जल रही है, जली, ठीक है, जल गई है। गाइज ये देखो लाइट अर्थ करने से लाइट आ रही है, मतलब फॉल्ट इसके अल्टरनेटर में है। अब हम इसका अल्टरनेटर खोल लेते हैं फिर देखते हैं अंदर क्या हुआ। बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। सो गाइज ये खुल गया अल्टरनेटर, ये देखो आप BS6 का अल्टरनेटर, और इसको अब हम वहाँ टेबल पे लेके जाते हैं और खोल के चेक करते हैं। सो गाइज इसके अंदर फॉल्ट आया है आपका, क्या जो स्लिप रिंग है उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे अंदर साइड में गड्ढा पड़ा हुआ है। धूप में ये कितनी बुरी चिपक रही है। तो गड्ढे की वजह से जो इसके कार्बन थे वो टेढ़े कट गए थे। मैंने अभी इसको रेगमाल से घिसा है, बेहतरीन जो एमरी पेपर इस टाइप का आता है इस पर घिस के इसको सीधा कर दिया है। और ये जो इसका कट हुआ है इसका, इसके अंदर भी इसमें आ गया था काला कार्बन, और जिसकी वजह से गाड़ी की लाइट जो है कभी आती थी कभी नहीं जाती थी और चार्जिंग नहीं करता था। अब हम इसको जो रेगमाल लगा दिया इस पर भी और रेगमाल लगा दिया इस पर भी, अभी देख सकते हैं आप कटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि चलेगी अभी थोड़े दिन और, ठीक है। तो अब हम इसको कटआउट जो है इसको लगा के और फिर हम इसको फिट करके चेक कर लेते हैं कि काम कर रहे हैं। सो गाइस रिपेयर हो गया अल्टरनेटर, और ये अभी क्या बैटरी अलग से लेके जाना पड़ रही है भैया, वो बैटरी बैठी है उसकी। ये देखो आप ये लगा दिए तुम्हारे भाई ने अल्टरनेटर, और अब ये एक और एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी है, इसको टच करके और स्टार्ट करके फिर चार्जिंग चेक करते हैं। चलो हाँ सर, ये टच करने के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले प्लस माइनस देख लो, जैसा ये प्लस है तो जो प्लस वाला वायर है वो आपके जाएगा इस प्लस में, मतलब ये रहेगा पैरेलल नहीं, प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस। अब मैं टच करके स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। सो गाइस ये स्टार्ट हो गया जनरेटर, और मल्टीमीटर से चार्जिंग चेक करते हैं। गाइस लगा दिया मल्टीमीटर, और
देरी, इसको पकड़ने। देखो गाइस 13 वोल्ट के ऊपर चार्जिंग निकल गई। अब देता हूँ मैं एक्सीलेटर, ऐसे करते करते ये चली जाएगी आपकी 14 वोल्ट से ऊपर, और 14 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब 15 तक अगर जाती है तो आपको चेक कराना पड़ेगा क्योंकि वो ओवर चार्ज कर रही है। ठीक है 2 मिनट स्टार्ट रखते हैं, और ये लाजिला भाई की शक्ल देख लो एक बार बार वाइस को, इन्हीं की गाड़ी दी है और किसी में फॉल्ट आया। अब इसको 2-4-5 मिनट बाद हम स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं बस खाली, ये इस बैटरी से स्टार्ट हो रही है नहीं। बस ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेगा तुम्हारा भाई फिर से अगली वीडियो में। ठीक है बंद करके चेक कर लो, बंद करो। बंद करने का कह रहा, बंद ही नहीं कर रहा, करो बंद करो। ये देखो ठीक है गाइस, इतनी देर में स्टार्ट होने के बाद ये चार्जिंग आ गई, मतलब ये चार्ज होने लगी, इनकी खुद की बैटरी से स्टार्ट हो गई है, मतलब चार्जिंग ऑन हो गई। और अब इसका जो है आपका ढक्कन वगैरह जो खुला हुआ है वो लगा देंगे, और फिर इनको कहते हैं अलविदा।